आज डोसा इडली के लिए अच्छे से एक स्पाइसी चटनी बनाएंगे। उसके लिए 6 प्याज, 2 टमाटर, थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ निकाल लिए, इसको पहले काट लेंगे। प्याज टमाटर सबको काट लिए। अभी कढ़ाई को गरम कर कर 1 टीस्पून उड़द की दाल इसमें डालकर सेकना पड़ेगा। उड़द की दाल को गोल्डन गोल्डन कलर आने तक सेक लीजिए। उड़द की दाल अच्छे से सिक गई, इसका अलग से एक प्लेट में रख दीजिए। अभी उसी कढ़ाई में तेल डालना। तेल डालने के बाद कटा हुआ प्याज, लहसुन डालकर थोड़ी देर पकने दीजिए। प्याज जल्दी से पकने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। प्याज हल्का सा कलर चेंज होने में आप टमाटर इसमें डाल दीजिए। 2 टमाटर, दोनों टमाटर को इसमें डाल दीजिए। डालकर थोड़ी देर मिलाकर इसको पकने के लिए रख देंगे। अब इसको बंद करके धीमी आंच पर पकाइए। अभी टमाटर अच्छे से पक गया, अभी गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ करने के बाद ही अपन मिर्ची पाउडर डालेंगे। मिर्ची पाउडर 1/2 स्पून मैंने डाला है, आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। अभी डालने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद पीस लेंगे मिक्सी जार में डालकर। अब ठंडा हो गया, अभी इसमें मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। अभी मिक्सी जार में अपन जो दाल सेक के रखा है इसको भी इसमें डाल देंगे, डालकर पीस लेंगे। ये चटनी पीस लिए, चटनी को है ना ज़्यादा मई जैसे नहीं पीसना है, हल्का सा उलट के डाल मुँह में आना चाहिए वैसे पीस लेना। उसके बाद ये कढ़ाई में तेल थोड़ा सा डाल दीजिए। कढ़ाई में तेल डाल दिए, अभी इसमें राई और उलट की दाल डाल दीजिए। उसके बाद लाल मिर्ची, एक थोड़ा सा हिंग पाउडर डाल दीजिए। बस हो गया। अब रेडी हो चुका है ये इडली रवा डोसा। डोसा के साथ बहुत टेस्टी रहता है, आप एक बार ट्राई कर कर जो अच्छा लग रहा था आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।